केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत सेना में कम अवधि के लिए नियुक्तियां की जाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करना और रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को घटाना है। लेकिन इस योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को देश के प्रति सेवा करने का मौका देने के मकसद से इस स्कीम की शुरुआत की है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। योजना के लागू होते ही युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सेना में अहम पदों पर रह चुके कुछ लोगों ने भी इस स्कीम पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना को सशस्त्र बलों के लिए खतरे की घंटी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना को पायलट प्रोजेक्ट लाए बिना ही लागू कर दिया गया, जो समाज के सैन्यकरण का खतरा है। इस योजना के लागू होने के बाद हर साल लगभग 40,000 युवा बेरोजगार होंगे। ये अग्निवीर हथियार चलाने में भी पूरी तरह ट्रेंड नहीं होंगे। ये स्कीम एक अच्छा विचार नहीं है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। वहीं इस स्कीम के पूरे देश में लागू होने के बाद बिहार में बवाल शुरू हो गया है। सेना में भर्ती के लिए सरकार की नई योजनाओं के चलते मुजफ्फरपुर में सड़क पर आगजनी तो बक्सर में रेलवे ट्रैक पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके तो छात्र प्रदर्शनकारी मुजफ्फरपुर में सड़कों पर उतर आए। युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन है। 4 साल अग्निपथ योजना के तहत काम करने वाले युवा के लिए रोजगार के क्या अवसर रहेंगे? अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में युवाओं को 4 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी 100 में से 25 लोगों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा, जबकि बचे हुए युवाओं को सेना से निष्कासित कर दिया जाएगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।